बसिन साहब स्वागत है सर, गुड मॉर्निंग। बताएं सर मार्केट आउटलुक और साथ ही साथ अपडेट्स भी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो देखिए, जो फेड ने करना था हो गया है, यूएस मार्केट से रैलीड और इंडिया में अब जो अनसर्टनिटी थी हो गई, तो कल आपको कहा बॉटम बन गया है। अब अभी आज 17,500 जाओ या दो दिन में जाओ 18,000 दिसंबर में आएगा, दिसंबर के लिए बॉटम बन चुका है। शॉर्ट वाले हैं तो काटिए, नहीं तो अभी लेने की चेष्टा कीजिए। कल के आपको अपडेट दे दूं, HDFC मेरा भाई है, वो खड़ा हुआ है IEX में, स्टॉप लॉस 63 का क्लोजिंग बेसिस पे है, मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूं, कल नहीं हुआ रखे रखिए, 85 का टारगेट जरूर आएगा। लेकिन जिसको ट्रेडर है अपना प्रॉफिट लॉस देखिए। मेरा टॉप पिक कल रात को था M&M, मैं अभी भी कह रहा हूँ 885 विल कम, M&M विल कम विद द बेस्ट नंबर्स इन ऑटोज एंड HDFC बैंक। अगर इस मार्केट को 18,000 जाना है तो HDFC बैंक को 1600 जाना है, तो उन दोनों में बने रहिए। बाकी आपके लिए दो, तो M&M और HDFC बैंक दोनों में मैं कायम हूँ। IEX में 63 रुपए क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस है ट्रेडर के लिए, नहीं तो 85 तक का टारगेट आपको एक दो दिन में आएगा बिकॉज वॉलिटिलिटी इज की। लेकिन मुझे लगता है इन द नेक्स्ट 1 आवर यू शुड स्टार्ट टू सी द मार्केट पिकअप। अब आपके लिए दो बाइस हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल सर बताएं आज के दोनों बाइक स्टॉक्स। तो सबसे पहले तो लीजिए गेल, आई थिंक गैस प्राइसेस एंड वॉल्यूम्स आर गोइंग टू शो अ स्ट्रॉन्ग अपटिक और गेल इज बीन वन ऑफ द मार्केट लीडर्स इन द ट्रांसमिशन नेटवर्क। प्लस उनके जो पेट्रोकेम मार्जिन है वो भी बहुत स्ट्रांग है, जो वो PSPA में डील करते हैं। 31 रुपए में लीजिए 25.25 का स्टॉप लॉस, 35 रुपए का टारगेट। दूसरा बाय है एम्फोसिस BFL, एम्फोसिस इज अ मिड कैप IT स्टॉक, इसके नंबर्स बहुत शानदार आएंगे। 3240 में लीजिए, 3180 का स्टॉप लॉस, 3450 का टारगेट। ओके, तो दो स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी करने की राय। गेल खरीदें आप, 131.25 रुपए के आसपास स्टॉक है, 128.25 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और टारगेट रखिएगा 135 का। और एम्फेसिस खरीदिए 3240 और यहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 3180 का, 3450। और भसीन साहब ने एक नाम बोला है, तो आपने सुना पूरा एम्फेसिस BFL। एक जमाने में एक BFL अलग कंपनी होती थी और एम्फेसिस दोनों का मर्जर हुआ था, बाद में उन्होंने नाम छोटा करके एम्फेसिस रख दिया। तो भसीन साहब इसका मतलब यह कि पुराने उस जमाने से स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं, एम्फेसिस BFL के जमाने से। तो BFL का मर्जर हुआ था, ये BFL भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो भी सॉफ्टवेयर कंपनी कैसी थी, वो पहले फाइनेंस कंपनी थी कोई, अच्छा वो FL में F फाइनेंस का था, फिर वो सॉफ्टवेयर कंपनी बनी, फिर एम्फेसिस ने उसको खरीदा। इंटरेस्टिंग, लंबी कहानी पुरानी। तो चलिए, ये दो बेहतरीन स्टॉक्स हैं जहां पर भसीन साहब की तरफ से खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है इस वक्त।